दोस्तों नमस्कार। बोर्ड के एग्जाम में अगर कोई परीक्षार्थी की कंपार्टमेंट आ जाए या वो फेल हो जाए या उसको उतने मार्क्स ना मिले जितने उसकी उम्मीद हो, तो फिर वो रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन डालता है। बोर्ड के अंदर रीचेकिंग की एप्लीकेशन लगाता है, उसके बाद में बोर्ड की तरफ से, जो शिक्षा बोर्ड होता है, उसकी तरफ से एक निश्चित फीस लेकर के उसके पेपर की रीमार्किंग, रीचेकिंग की जाती है। उस रीचेकिंग के अंदर देखा जाता है कि क्या कहीं मार्क्स बढ़ने की गुंजाइश थी और या कहीं मार्क्स कम दिए गए। कुछ ऐसा ही दोस्तों चुनाव में भी होता है। चुनाव के अंदर अगर, क्योंकि चुनाव भी एक परीक्षा है, बोर्ड से भी बड़ी परीक्षा चुनाव है, और अगर चुनाव के अंदर कोई नेता चुनाव हार जाता है या चुनाव को उसमें लगता है कि उसे वोट कम मिली है, तो फिर उसके पास भी एक मौका होता है कि वो चुनाव आयोग के पास में, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपनी जो शर्तें हैं, जो भी हैं, इस चुनाव के अंदर जो शर्त थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो ये थी कि अगर किसी भी कैंडिडेट को ईवीएम पर किसी भी प्रकार का कोई शक शुबा है, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव परिणाम आने के 7 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है, शिकायत दर्ज करा सकता है, गुहार कर सकता है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो रखा गया वो ये था कि एक ईवीएम जांचने की जो फीस है वो 50,000 रुपये है। अब हरियाणा के भी दो नेता हैं, दो लोकसभा प्रत्याशी, जिनको ये लग रहा था कि जो उनको जो यानी कि मार्क्स मिले, यानी कि जो वोट मिले, उन्हें लगता है कि उसके अंदर कोई गड़बड़ थी, चुनाव कुछ ठीक नहीं हुआ था, ईवीएम में कोई गड़बड़ की गई हो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास शिकायत लगाई। वो दो नेता थे हरियाणा के, करनाल लोकसभा के कांग्रेस के कैंडिडेट दिव्यांशु बुद्धि राजा और फरीदाबाद लोकसभा के कैंडिडेट महेंद्र प्रताप सिंह, कांग्रेस के कैंडिडेट। इन दोनों नेताओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में अपनी पटिशन दायर की, अपील दायर की, और उस अपील में मांग की कि उनके लोकसभा चुनाव की जो सैंपल के तौर पर ईवीएम की जांच कराई जाए। जो दोस्तों जांच कराई जाती है वो ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच होती है, जिससे कि ये निकाला जाता है कि जो प्रत्याशी को वोट मिले और उनके बाद में जो वीवीपैट होती हैं उनका मिलान होता है। इस चुनाव में भी ऐसा ही कुछ होगा जो शिकायत दर्ज की गई। वैसे मैं आपको बताऊं कि इन दोनों कैंट सीटों से, यानी कि करनाल से मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री, 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और दूसरा जो चुनाव जीते फरीदाबाद लोकसभा से कृष्ण पाल गुर्जर चुनाव जीते। मैं इसके साथ साथ आपको एक बात दोस्तों और बता दूं कि दोनों कैंडिडेट्स की जो जीत का मार्जिन है वो रिकॉर्ड मार्जिन है, एक बड़ा मार्जिन है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा से 7,37,282 वोट मिले, जबकि दिव्यांशु बुद्धि राजा को 5,04,437 वोट मिले। इस लिहाज से 2,32,577 वोट के बड़े अंतर से मनोहर लाल खट्टर ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को हराया। और अगर दूसरी बात करूं फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद लोकसभा से कृष्णपाल गुर्जर को 7,88,569 वोट मिले, और उनके मुकाबले महेंद्र प्रताप को जो वोट प्राप्त हुए वो हुए 6,15,655। और अगर महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुर्जर के बीच जो जीत का मार्जिन है, जो कृष्णपाल गुर्जर जीते 1,72,914 वोट से चुनाव जीते, दोनों नेताओं का जो मार्जिन ऑफ गैप है वो लगभग 1.25 लाख और 2.25 लाख से ज़्यादा आप ये मान सकते हैं। इस लिहाज से जिस प्रकार की अपील की गई और अपील में कहा गया कि भाई वोटों की ईवीएम की फिर से जांच हो, सभी का राइट है, सभी को अधिकार है, लेकिन अगर दोस्तों ये मार्जिन अगर कम होता तो लोगों के गले बात उतरती कि भाई आखिर बहुत कम मार्जिन हुआ और बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीता गया। लेकिन जब मार्जिन 1.25 लाख का और 2.25 लाख का इतना बड़ा मार्जिन होता है, तो फिर उसके बाद में ये बात खासकर जागरूक लोगों के गले उतरती नहीं। खैर, ईवीएम पर आरोप तो लगते ही रहे हैं और ईवीएम पर आरोप हमेशा लगते रहे हैं। ये पहला चुनाव ऐसा था कि जब चुनाव परिणाम के बाद तो आरोप ईवीएम पर नहीं लगे थे। कांग्रेस वाले भी खुश थे, उनकी भी सीट बढ़ गई थी, बीजेपी वाले भी खुश थे कि ले दे के झटके ले ले करके चलो सरकार तो बनी गई। जो तीसरे मोर्चे के नेता थे वो भी खुश थे
कि कई लोग फारिग हो गए और कई लोग अंदर सिस्टम में आ गए, चाहे वो नीतीश कुमार हुए, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हुए, ये तमाम लोग भी खुश थे, मतदाता भी खुश थे, चुनाव आयोग भी खुश था, मीडिया के लोग भी खुश थे, मतलब ईवीएम पर कोई दोष नहीं लगा था। हालांकि 3-4 दिन बाद धीरे धीरे ईवीएम पर दोष लगना शुरू हुआ, कई राज्यों में लगा, कई राज्यों के अंदर कहा जा रहा है ईवीएम को लेकर के, इवन पश्चिम बंगाल में भी कहा जा रहा है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस बड़े अंतर से चुनाव जीती है, उसकी बहुत सारी सीटें आ गई हैं, बीजेपी को झटका लगा है, इसके बावजूद जो उनके नेता अभिषेक बनर्जी वो भी कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि आखिर ईवीएम पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अब जो फरीदाबाद लोकसभा के लिए जो जांच होगी वो 2 ईवीएम की जांच होगी, वो दोनों ईवीएम बड़खल विधानसभा क्षेत्र की हैं। बड़खल विधानसभा क्षेत्र का मैं आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि संभवतः महेंद्र प्रताप जी और उनके बेटे विजय प्रताप जी को बड़ी उम्मीद रही होगी कि बड़खल विधानसभा में तो उनके साथ सब ठीक होगा, लेकिन बड़खल विधानसभा सीट पर भी उनको जो शिकस्त मिली वो बहुत बड़े अंतर से मिली। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि बड़खल विधानसभा की 2 ईवीएम की जांच कराई जाएगी, वहीं करनाल के अंदर 4 ईवीएम की जांच होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ईवीएम की जांच के अंदर कोई नई चीज़ सामने आ सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या रिकाउंटिंग हो सकती है, ग्रेस मार्क मिल सकते हैं पूरे फरीदाबाद और करनाल लोकसभा के अंदर? और आपको क्या होता है लगता है कि क्या ये सारा मामला कानूनी पेचीदगियों में यूं ही चला जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।